नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर। रोजाना हमारी समाज में, हमारी दुनिया में हजारों लाखों खबरें जन्म लेती है, लेकिन उनमें से कुछ खबरें ऐसी रहती है जिनके बारे में जानने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और जिनका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी भी हो जाता है। उन्हीं खबरों के बारे में, उन्हीं खबरों को विस्तार से समझने के लिए, उन्हीं खबरों के बारे में सब पक्षों को भली रूप से जानने के लिए ही हम उन पर बड़ी खबर में बात करते हैं। और आज भी हम एक ऐसी ही बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। यूं हम 21वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं कि 21वीं सदी विकास की सदी है, साइंस की सदी है, टेक्नोलॉजी की सदी है। हर जगह हम एक शब्द बार बार दोहराते हैं, वो है विकास, विकास, विकास। हम बुलेट ट्रेन के सपने देते हैं, हम ऐसी इमारतों के सपने देखते हैं जो आकाश से भी ऊपर निकल जाए, हम स्पीड से तेज वाहनों की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में ही कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जो सुविधाएं रहती हैं उन्हें भी वो उन्हें उपलब्ध अभी भी नहीं है। तो ऐसे ही एक क्षेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे, बड़नगर। बड़नगर के दोराया कॉलोनी रहवासी जीवन की मूलभूत समस्याओं से अभी पूरी तरह से वंचित दिखाई देते हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण क्षेत्र में जगह जगह कचरे का अंबार लगा रहता है। क्षेत्र में कचरे और गंदगी से भरी सड़कें हैं और बिजली की समस्याओं के कारण क्षेत्रवासी आए दिन परेशान होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन का अभी तक इस ओर कोई भी ठोस कदम दिखाई नहीं दिया है कि उन्होंने इसे सुधारने की कोशिश की हो। इसी के चलते गुरुवार की सुबह कॉलोनी के बाहर बड़नगर के रुनीजा मुख्य सड़क के किनारे शिवसेना के मालवा प्रांत अध्यक्ष प्रभात पुरानिया के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने और कॉलोनी के रहवासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बड़नगर रुनीजा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम भी किया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और तहसीलदार सुरेश नागर मौके पर पहुंचे और शिवसेना कार्यकर्ताओं और रहवासियों को समझाइश दी, जिसके बाद बड़नगर सीएमओ संदेश शर्मा ने भी क्षेत्र का दौरा किया, जिसके बाद नाराज क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी संदेश शर्मा के हाथों में चूड़ियां पहनाई। इस घटना के बाद हमने सीएमओ संदेश शर्मा के से इस मुद्दे पर बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि सीएमओ संदेश शर्मा ने इस विषय पर क्या कहा। हेलो, हाँ संदेश जी बात कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ जी। नमस्कार, मैं तुषार बात कर रहा हूँ खबर 100 से, इंदौर से। हाँ जी सर, मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी। कल बड़नगर में जो एक प्रदर्शन किया गया था शिवसेना और कुछ महिलाओं के द्वारा, उसमें उन्होंने ये भी उन्होंने अपना पक्ष जी। हाँ नहीं, आप बोलिए। हाँ, उन्होंने कहा कि हम काफी समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर सफाई और ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इस मामले में मुझे जानना था कि क्या कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से, क्यों रुका हुआ है जिस तरह से उनका पक्ष है। रुका हुआ नहीं था जी, बात है अवैध अवैक्सित कॉलोनी है जी, है ना, तो जिसके लिए विकास कार्य करने के, आप तो मालूम ही है कि अवैध और अविकसित कॉलोनी में कोई भी काम किया नहीं जा सकता जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनकी सुविधा के लिए बहुत कुछ काम वहाँ किए गए हैं। हाँ, मतलब हमने फुटेज भी देखे थे, वहाँ से फुटेज भी हमने मंगाया हमारे रिपोर्टर को भेज के, तो गंदगी मतलब लग रही थी। तो अभी जैसे कोरोना का भी समय है, बिल्कुल आपका कहना चाहिए जी, ये नागरिकों के ऊपर है कहाँ कचरे डालें, हमारी गाड़ी घर घर जा रही है जी जी जी। तो उनके समझाइश देने के लिए किया जा रहा है। एरिया में गया था, वहाँ के ही लोग कह रहे हैं कि साहब यहाँ के कुछ लोग गाड़ी में कचरा डालते हैं, कुछ नहीं डाल रहे, कुछ खाली प्लॉट में डाल देते हैं, गंदगी दिखेगी हम कितना हमारे कर्मचारी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर तो गंदा काम करें हम, तो फिर मतलब उनको घर से कचरा उठाए, जब एक एक घर पे गाड़ी जा रही है तो आपको क्या तकलीफ है यार, सीधा गाड़ी में डाल दो ना जी। बिल्कुल सही बात है आपने, हमारे यहाँ के कर्मचारी इतने समझदार है, अगर कोई बुजुर्ग महिला या बच्चा कचरा लेके आता है ना, खुद उससे डिब्बा लेके और डाल देते हैं उसमें जी। मैं अभी ये सवाल आता है भैया, अब इस तरह के आगे क्या आप एक्शन लेने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं? सफाई उनकी जो समस्याएं थी उसके लिए मैंने आज से टीम लगा दी है जी जी। एक दो दिन में वो जो उनका नाला है, एक्चुअली वहाँ क्या है कि अविकसित कॉलोनी में कोई काम करने की जगह ही नहीं है जी, वो गली सी बना रखी है। उन्होंने मलबा निकाले थे, आदमी तो कितना इकट्ठा करके निकाल सकता है, वो पूरी 100 मीटर की गली में कितना खींच के लाएगा जिसमें तो वो उठा के नहीं चल सकता।
अरे 10 फीट का मलबा निकाल के वो साफ कर ले, फिर अगला 10 फीट करे, ऐसी कुछ अगर व्यवस्था होती तो वो कब से ही हो जाता साफ। अच्छा अच्छा मतलब कचरे का हाथ ज्यादा, इस वजह से अभी तक साफ नहीं हो पाया ऐसा कुछ है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और हमने की जगह ही नहीं है गली जी। और कल प्रदर्शन के समय वहाँ पर जब दौरे पे भी गए थे तो वहाँ पर भी जो व्यवहार देखने को मिला, जो वीडियोस भी सामने आए हैं कि कुछ महिलाओं द्वारा चूड़ियां पहनाने की भी कोशिश की गई थी। हाँ, तो आप इसे ये कहेंगे कि वो क्या क्षेत्रवासी नाराज हैं इसलिए इस तरह की एक्शन लिया उन्होंने, या फिर इसका आपका क्या इसमें पक्ष है? अच्छा अच्छा, क्या इसका कुछ राजनीतिक पक्ष भी है? हो सकता है। अच्छा अच्छा, इसका आप कह रहे हैं कि ये भी पक्ष हो सकता है। तो अब प्रशासन क्या प्लानिंग कर रहा है? मतलब आखिरी में अपन अभी बात करें कि कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी जागरूक नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं, तो अब प्रशासन क्या कदम उठा रहा है कि उन्हें जागरूक करने वाले हैं आप, या फिर कुछ समझाने वाले हैं? क्योंकि उन्हें आक्रोश वो देखने को मिला है। जागरूकता के लिए भी कर दिया है जी, उनको कल भी समझाइश दे दी है और फिर एक आध दिन में ऐसे राउंड लगाते रहेंगे। अच्छा अच्छा, और ये जो कल घटना हुई थी इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये प्रयास था जी, जिन्होंने भी दिखाया गलत दिखाया, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, प्रयास था जी, प्रयास था। हाँ, वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए जी। लेकिन वहाँ पर ये पक्ष भी आया कि जो महिलाओं ने पिलाने की कोशिश की थी, और वहाँ पर महिला अगर प्रदर्शन कर रही थी तो कोई महिला सुरक्षा बल, मतलब कोई महिला सुरक्षा पुलिसकर्मी नहीं थी? महिला पुलिस थी। थी वही तो कह रहा हूँ, हाँ सब खुद थे, महिला पुलिस थी। तो मतलब उन्हें रोकने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पुरुष ही पुलिस बल वहाँ पर तैनात था, उन्होंने उन्हें छुड़ाया, उन्हें धक्का मुक्की की? महिला पुलिस थी, लेकिन हाँ ठीक है, वो पुरुष जवान जो था वो जल्दी आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ ये रहा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे बड़नगर के CMO संदेश शर्मा, जिनका कहना यह है कि क्षेत्रवासियों की लापरवाही के कारण गंदगी फैलती है। साथ ही यह भी कहा कि महिलाएं चूड़ियां पहनाने में कामयाब नहीं रही, और ये केवल प्रशासन की नाराजगी के कारण नहीं हुआ था, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकता है। ये कहना है CMO संदेश शर्मा का। साथ ही इस विषय को लेकर क्षेत्रवासियों में और शिवसेना कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर शिवसेना मालवा प्रांत अध्यक्ष प्रभात पुरानिया ने क्या कहा। समस्या, मूलभूत समस्याओं को लेकर यहाँ पे हमने धरना दिया गया था, 5 घंटे धरना चला, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं लगी। उसके बाद तहसीलदार साहब आए, उन्होंने CMO साहब को बुलवाया, वो आए, उन्होंने आनाकानी करी, जवाब देने में सहमति नहीं दी ठीक से, तो वार्ड की सारी महिलाओं ने रुष्ट होकर उनको चूड़िया तक पहना दी। अभी तो हमने तहसीलदार साहब और प्रशासन की बात मानकर ये धरना समाप्त कर दिया। अगर 2 दिन के अंदर इस विषय पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर इससे ज्यादा बड़ा उग्र आंदोलन। चूड़िया किसे पहनाई गई है? बड़नगर के नगर पालिका CMO अधिकारी को। ये थे शिवसेना मालवा प्रांत अध्यक्ष प्रभात पुरानिया, जिनका पक्ष यह है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण क्षेत्र की हालत दयनीय है, इसी से नाराज हो क्षेत्र की महिलाओं ने CMO को चूड़िया पहनाई है। साथ ही कहा कि अगर 2 दिन में कोई कार्यवाही नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस तरह की बात शिवसेना के नेताओं ने की है। साथ ही जो क्षेत्र में महिलाएं हैं, क्षेत्रवासी हैं, वे भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं प्रशासन के इस रुख से, कि प्रशासन लगातार जब इतनी कंप्लेंट की गई है प्रशासन से तब भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, ये बात क्षेत्रवासियों ने कही है। वहीं पर हमने आपको CMO का भी बयान सुनाया, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है कि क्षेत्रवासियों की लापरवाही के कारण ही ये सब हालत देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन की गाड़ी रोज सुबह कचरा लेने घर घर जाती है, लेकिन अगर कोई घर पर कचरा नहीं फेंकता है क्षेत्र में या फिर सड़कों पर कचरा फेंक देता है तो प्रशासन उसे कब तक साफ करता रहेगा? लेकिन करता भी है तो इतना बड़ा अंबार लग चुका है कि उसे एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं प्रशासन का पक्ष है। ये दोनों पक्ष हमने आपके सामने रखे इस मुद्दे पर। अब ये दोनों पक्ष हमने, जैसे हमने बात की कि दोनों बिल्कुल अलग बात करते हैं, लेकिन यहां पर जो मूल समस्या है वो बनी हुई है कि क्षेत्र में काफी कचरा है, कचरे का अंबार लगा हुआ है। और खासकर अगर हम आज की बात करते हैं, जब कोरोना, मलेरिया और डेंगू ऐसी खतरनाक जानलेवा बीमारियां काफी प्रचलन में है, काफी जल्दी विस्तार पकड़ रही है, उस समय इस तरह की लापरवाही, इस तरह की ये जो हालत है, इस तरह की जो गंदगी है, ये कई व्यक्तियों के लिए जान की बाजी, यह लगाना ही सही कहा जाएगा कि कई व्यक्तियों की जान की बाजी इस कचरे के ढेर में
अटकी हुई है, जिसे जल्द से जल्द क्षेत्रवासी और प्रशासन कहीं ना कहीं अगर दोनों मिलकर साथ में एक ही समझ के साथ और एक ही पटरी पर काम करते हैं तो शायद यह संभव होगा कि यह जल्द से जल्द इसे हल किया जाएगा। तो इसी बात के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं, जल्द ही आपके साथ हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर के साथ।